हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पब्लिक ओपिनियन में। तो गाइस देखो, फाइनली यार बड़े मियाँ छोटा मियाँ का टीजर आ चुका है। एंड यार देखो, मैं आप सभी को अभी बता देता हूँ, देखो ये जो मूवी का जो टाइटल है वो रिमेक कह सकते हो आप, बट ये जो मूवी होने वाली है, आई मीन इसका स्टोरी जो भी, वो सब कुछ डिफरेंट होगा ओल्ड मूवी से। तो मतलब कुछ लोग यार ये कह रहे थे कि मूवी रिमेक होने वाली नहीं, टाइटल उठाया गया उस मूवी से ओनली, बट जो मूवी का कंसेप्ट है वो काफ़ी चेंज होगा उस मूवी से। एंड देखो, आप सभी जानते हैं कि इस मूवी में मेन लीड रोल में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ होने वाले हैं। एंड उनके साथ में जिनकी वजह से इस मूवी की इतनी हाइप बढ़ी है भाई, वो पृथ्वीराज सुकुमारन है, क्योंकि होली में उनकी भी पिछली मूवी थी सरार, जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा, आई मीन एक पैसा छापा भाई उस मूवी ने, तो 800 करोड़ के करीब उस मूवी का कलेक्शन हो चुका है। एंड मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी वो ट्रेंडिंग में चल रही है मूवी। हिंदी में तो नहीं आई, मैं देखने वाला था उस मूवी को, आई मीन हिंदी में आएगी तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाता उस पर। तो आप देखिए, उनकी वजह से इतनी हाइप बढ़ी है इस मूवी की। एंड और इस मूवी में आपको सोनाक्षी सिन्हा और ये मानुषी चिल्लर देखने के लिए मिलेंगी। तो मतलब मानुषी चिल्लर की तो मैंने पिछली मूवी ये पृथ्वीराज देखी थी, सम्राट पृथ्वीराज, जो कि अक्षय कुमार के साथ थी, वो मूवी ठीक ठाक ही थी, उसमें एक्टिंग वगैरह भी ठीक ठाक ही थी उनकी। अक्षय कुमार का भी इतना वो मतलब एक जो उनकी एक्टिंग होती है ना, वो भी नहीं दिखी थी उस मूवी, इतना खास नहीं था उस मूवी का रिस्पॉन्स। एंड सोनाक्षी सिन्हा को आप जानते हो, रायडू राठौर में दिखी थी अक्षय कुमार के साथ, एंड बोस मूवी में था उनका एक रोल, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। और गाइस इस मूवी में आप सभी को एक मतलब यार ये सरप्राइज है या क्या है भाई, देखो इसमें ना जुगल हंसराज होने वाले हैं। तो जुगल हंसराज की तो मैंने एक मूवी देखी है, ओल्ड मूवी है उनकी भाई, मोहब्बतें, उस मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है ना यार, बंदा अपने टाइम में इतना स्मार्ट हुआ करता था, एंड आज देख लीजिए ये बंदा कहाँ पर है। तो मतलब जैसे हम शाहरुख खान को बोलते हैं इतना हैंडसम है, तो उसके कंपैरिजन में आप देख लीजिए उस टाइम में इतना बंदा हैंडसम था। तो मतलब ये है, ओल्ड एक्टर को उठाया गया है, अच्छी बात है यार कि दोबारा से मूवीज़ में आ रहे हैं, उनको एज के हिसाब से उनको रोल मिलेगा, क्या होगा ये सब तो मूवी देखने पर पता चलेगा। एंड और आप सभी देखिए, इसमें रोनित रॉय होने वाले हैं भाई, एंड रोनित रॉय की आपने मूवी देखी होगी यार, बॉस में भी थे वो, एंड अदालत शो देखा होगा उनका, तो एक्टिंग काफ़ी लाजवाब करते हैं वो भी। एंड इसमें देखो गाइस, जाह्नवी कपूर भी होने वाली है भाई, ये मेरे को डाउट है कि जाह्नवी कपूर का क्या रोल है इसमें, क्या हो सकता है ये मेरे को इतना नहीं मालूम, बट इस मूवी की जो कास्ट है ना भाई, आप चेक करके देखना विकीपीडिया पे, इतनी बड़ी कास्ट है ना इस मूवी की, तो मतलब कुछ के नाम नहीं आते मेरे को, तो जिन जिन के नाम याद थे मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक यही जो करेक्टर है ना, ये मेन लीड रोल में हो सकते हैं मूवी में, बाकी मेरे को विकीपीडिया पे आप जाके चेक कर लेना, तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको यार इतनी बड़ी कास्ट है मूवी की। तो गाइज, जो इस मूवी का म्यूजिक है वो आप सभी को पता है कि विशाल मिश्रा ने इस मूवी में म्यूजिक दिया है, एंड उनके सॉन्ग तो यार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बंदे ने कहते हैं एक अपना लेवल सेटअप कर लिया भाई साहब। देख लो एनिमल मूवी में गाने के कितने अच्छे कंपोजिशन किए उन्होंने, एंड गणपत में हो गया जैगनेजर सॉन्ग था, एंड उससे पहले कबीर सिंह में इतने अच्छे गाने थे इनके, एंड यार ये जेलर में भी था एक इनका सॉन्ग था एक भाई साहब, एंड ट्रिपल आर में भी था, तो मतलब ये है ना एक अलग लेवल सेट कर लिया बंदे ने, मूवीज में इतना काम मिल रहा है ना इनको। अभी आप देख लीजिए खुदा हाफिज 2 देख लीजिए, गदर 2 में इन्होंने सॉन्ग को कंपोजिशन किया था, तो मतलब काफ़ी एक बिल्डअप बना लिया बंदे ने, एक जैसे हम अरिजीत सिंह को मानते हैं ना, तो उस तरह का लेवल सेटअप कर रहा है बंदा, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आवाज़ भी इतनी प्यारी है यार भाई साहब विशाल मिश्रा की, तो वो म्यूजिक में तो कमी नहीं होने वाली इस मूवी में। एंड देखो, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो आप सभी जानते ही होंगे, अली अब्बास जफर हैं। तो अली अब्बास जफर मेरे लिए भाई साहब बॉलीवुड में अभी तक जितने भी एक्टर काम करे हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, उनमें मेरे ख्याल से बंदा एक अलग कह सकते हो आप, सबसे बेस्ट डायरेक्टर हो सकता है एक्शन मूवी के लिए, एक मसाला मूवीज जो तैयार करते हैं, क्योंकि इस बंदे ने देख लो भारत हो गई, टाइगर जिंदा हो गई, सुल्तान हो गई, ये तीन मूवी सलमान खान के साथ करके उनको सलमान खान को इतना उसके जो स्टारडम है ना, सलमान खान का जो स्टारडम है उसको इतना बिल्डअप दिया भाई साहब इस बंदे ने। तो मतलब ये मैं तो यार ऑफिशियल चाहूँगा, जैसे सलमान खान का करियर इतना नहीं चल रहा, मेरे को लगता है कि उन्हें ना
अली भाजपर के साथ काम करना चाहिए या फिर रोहित शेट्टी के साथ। ये दो डायरेक्टर है ना ऐसे, ये मासी मूवी बना सकते हैं भाई साहब बहुत अच्छी। तो बाकी तो मेरे को बॉलीवुड में इतना कुछ खास अब जमता नहीं यार। तो डायरेक्टर ये है, तो मैं इसी डायरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि ये बंदा कभी ख़राब चीज़ नहीं लेके आता भाई साहब। आई मीन इसकी मूवीज़ ये है ना फैमिली एंटरटेनिंग तो होंगी, साथ में एक इस बंदे को पता है भाई क्या चीज़ दिखानी है मेरे को क्या नहीं दिखानी। फालतू सीधी बात ना बकवास वाली बात करता है, तो जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो भाई चलिए फटाफट टीजर को देखते हैं। एंड देखो यार, चैनल पे नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मूवी को भाई साहब फुल इसके सॉन्ग्स हो गए मूवी को काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं हम चैनल पे। तो चैनल पे नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए गाइस देखते हैं टीजर लास्ट टाइम। कश्मीर पूजा एंटरटेनमेंट प्रलय अली भाजप सर्वनाशम विदक्युन्न महाप्रलय पृथ्वीराज सुकुमार की आवाज है यार। व्हाट आई मीन टू से इज प्रलय आने वाला है। प्रलय एक ऐसा प्रलय जो भूत वर्तमान गूज़बम्स आ रहे हैं यार पृथ्वीराज सुकुमार ने। तो एक ऐसा प्रलय जो अच्छाई और बुराई की जंग को हमेशा के लिए पृथ्वीराज कुमार हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ओ भाई साहब लोग को देख रहे हो, चेहरा दिखाया यार बट इन्होंने वो मास्क वगैरह दिखाया है चेहरे पे। दिल से सोल्जर टाइगर श्रॉफ सुल्तान टाइगर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है, बच के रहना उसे हिंदुस्तान है। ये सुपर है भाई डायलॉग इसीलिए। फुल कहते हैं एक्शन फुल होने वाला है इसमें भाई। तो गाइस देखो टीजर काफी अच्छा है, एंड देखो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि ये जो बंदा है सीधी बात ना बकवास वाली बातें करता है। आप देखिए टीजर में किसी भी हीरोइन का कोई सीन नहीं डाला उसने, उसे पता है आजकल की जो पब्लिक है उसका टेस्ट चेंज हो चुका है, उसको इन सभी से एक हाइप नहीं बनाई जाती। क्या दिखाना है मेरे को क्या नहीं, तो उसने पृथ्वीराज कुमारन एंड अक्षय कुमार एंड टाइगर सू इन तीनों पे ज़्यादा फोकस रखा है इस टीजर में, एंड यही दिखाएगा भाई। ये ट्रेलर वगैरह में एक दो सीन दिखा देगा, बाकी इतना वो कहते नहीं, इतना वो सीरियस नहीं लेगा एक हीरोइन वगैरह को। तो यही बात अच्छी है, इनफैक्ट इनका फोकस भी यही होना चाहिए इन तीन बंदों के ऊपर, क्योंकि मूवी में आपको इन तीन बंदों को अगर अच्छा इन तीनों का एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया ना तो ये मूवी चल जाएगी। एंड बजट वगैरह भी काफ़ी भारी लग रहा है जिस हिसाब से इसके एक्शन सीक्वेंस लग रहे हैं मेरे को, तो टाइगर जिंदा है एंड सुल्तान तो उनसे तो काफ़ी बड़े एक्शन सीन लग रहे हैं इसके। तो देखते हैं क्या उन दोनों के एक्शन सीक्वेंस को मिला के क्या कुछ ये नया करते हैं इस मूवी में, एंड एक्शन ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई साहब मेरे को मूवी के। बट ये है देखो यार, जिस हिसाब से ये टीजर दिखा रहे हैं ना उस हिसाब से अगर मूवी निकल जाती है मैं जैसे एक मासी मूवी मांग रहा हूँ, एंड जैसे टीजर से आप सभी को लग ही रहा होगा ये मूवी फुल मासी होने वाली है। एंड इस मूवी के जो डायलॉग है वो भी काफ़ी भारी भरकम होने वाले हैं, एंड जो अक्षय कुमार ने डायलॉग बोला है देश के लिए हम हिंदुस्तान है तो वो भी काफ़ी एक लाजवाब था। एंड मूवी को ना ये जो टीजर को ना एक ये जो डायलॉग है जो अक्षय कुमार ने बोला ये एक अट्रैक्टिव और बना देता है टीजर को, अट्रैक्टिव बना देता है जिससे ये ना थोड़ा एक गूज़बम्स फील होता है टीजर को देखने पर। तो मुझे टीजर अच्छा लगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इस मूवी के लिए, एंड इस मूवी को सपोर्ट करेंगे हम। एंड चैनल पे नहीं होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को प्यार से लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस मूवी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगी तो चैनल पर मिल जाएंगी, एंड सॉन्ग्स वगैरह आएंगे तो हम उन पर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।